हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं यूट्यूबर सुधा एक बार फिर स्वागत कर रही हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज है संडे का दिन और संडे के दिन पांडे जी घर पे हैं, ध्रुवी भी छुट्टी है, तो हम लोग जा रहे हैं माघ मेला घूमने। तो माघ का मौसम महीने चल रहा है, तो जानते हैं संगम में प्रयागराज में मेला लगा हुआ है, तो हम वही मेला देखने जा रहे हैं थोड़ा ध्रुवी को घुमाने के लिए। और अभी हम लोग आ चुके हैं मेले में, तो ये देखिए मेले में आते ही ध्रुवी झूला ना झूले ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ध्रुवी झूला झूल रही है, पिछली बार भी ध्रुवी ने ये वाला झूला झूला था और इस बार भी और भी कई सारे झूले ध्रुवी झूलेगी। और यहाँ देखिए मेले में कितना रश है, इतना रश है, मतलब इस साल तो मेले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और बहुत लोग आते हैं ना दूर दूर से स्नान के लिए संगम में, तो फिर सब मेला देखते तो है ही, मेला लगा हुआ है तो इतना रश हो जाता है मेले में। मुझे तो भीड़ वाली जगह पे ना सफोकेशन होती है, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ना जाना रहे, पर ध्रुवी की वजह से आना पड़ता है क्योंकि वो तो बच्ची है ना, उसका तो मन करे कहीं घूमने के लिए। तो देखिए भीड़ से मैं दूर हट के वीडियो शूट कर रही हूँ और पांडे जी उसको झूला झुलाने के लिए लेके जा रहे हैं भीड़ के अंदर, तो मुझे हिम्मत नहीं पड़ती है, मैं बाहर ही खड़ी होकर देखती रहती हूँ। तो यहाँ ध्रुवी झूला झूलने जा रही है और 5 मिनट तक इसमें घुमाएंगे बच्चों को। और यहाँ का जो इसका टिकट होता है वो 30 या 40 रुपए का होता है, तो ध्रुवी कम से कम 3-4 झूले झूलती है अलग अलग इस तरह से राउंड राउंड वाले, तो इस तरीके से उसका उसका मन भर जाता है तब वो यहाँ से हिलती है। तो हम लोग उसको झूला झूला रहे हैं और सामने देखिए बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं मेले में, उधर देखिए उस तरफ और भी सारे झूले दिख रहे हैं, हैमर वाला झूला भी लगा हुआ है और जो बड़ा वो गोल वाला झूला होता है वो भी लगा हुआ है, पर वो सब बहुत ऊंचा जाता है ना, इसलिए हम लोग उसमें नहीं जाते हैं। मुझे तो खास करके बहुत ही डर लगता है ऊंचे वाले झूलों से। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्रॉकरी वगैरह का भी पूरा शॉप लगा हुआ है और लोग बहुत शॉपिंग करते हैं यहाँ से, मेले में लेके जाते हैं सामान खरीद के। मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि लगभग सभी कुछ ही है अभी मेरे घर में, तो ऐसा कुछ मुझे ज़रूरत लगा नहीं। तो मैं लोग मेले में जाते हैं तो कुछ फालतू चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे जो ज़रूरत लगती मैं वही ख़रीदती हूँ। तो यहाँ पे बस झूला वगैरह झूला हमने और फिर हमने खाई पाव भाजी, उसको मैंने शूट नहीं किया, भूल गए थे उस समय पर हम। और फिर उसके बाद में घूम के फिर के और फिर घर आ गए थे हम लोग। तो मुझे क्या है ना, भीड़ भाड़ में दिक्कत होती है, इसलिए जब तुरंत ही फिर हम लोग घर भाग गए और आने के बाद मुझे सिर में दर्द होने लग गया। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है और हम लोग आ गए हैं मेले से घूम के, आ तो हम 4 बजे गए थे, अभी रात का मतलब शाम का टाइम है, 7-7:15 का टाइम हो रहा है और मेले से हम लोग आ चुके हैं। और ध्रुवी ने झूला वगैरह झूला आप लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा कुछ मेले में एंजॉय नहीं किया क्योंकि बहुत ही भीड़ रश था वहाँ पे। मेरा तो माइग्रेन हो जाता है ना शुरू, एकदम भीड़ में साउंड वाली जगह पे गाड़ियों का चेचे पोपो और सब ना भीड़ वगैरह की से मुझे सफोकेशन होती है, तो मैं तो बस जल्दी से वहाँ से भाग के चली आई हूँ। ध्रुवी ने 2-3 झूले झूले और पाव भाजी खाई हमने वहाँ पर, और इतनी गंदी पाव भाजी लाइफ में नहीं खाई थी, इतनी गंदी, और एक सिर्फ एक बन के साथ में इत्तू सा सब्जी दिया था और वो भी कोई मतलब टेस्ट नहीं, टेस्टलेस, और वो 40 रुपए का उन्होंने दिया था, सोचो। तो अच्छा खासा कमा रहे हैं मेले में, लूट मचा रखी है, टेस्ट 40 रुपए का ले रहे हो तो कुछ दो भी तो उसमें, पर कुछ भी नहीं था। तो अभी हमने सोचा है कि मन भर के पानी पूरी कह रही हूँ, पाव भाजी खाएंगे हम लोग। तो आज हमारा प्लान है कि अभी चल रही हूँ मैं, हालांकि मेरा सिर बहुत तेज़ फट रहा है, मैंने 2-2 गोलियां खाई हैं, एक रोसिन खाई उसका भी कोई असर नहीं हुआ, 2 घंटे बाद फिर मैंने कॉम्बिफ्लाम लिया है कि सिर दर्द मेरा ठीक हो जाए, बट अभी भी मतलब हल्का हल्का दर्द हो ही रहा है। और फिर भी मैं चल रही हूँ पाव भाजी बनाने, ताकि आज हम लोगों ने इतनी गंदी वाली पाव भाजी खाई है तो कम से कम अच्छी पाव भाजी खा के मन ब्लॉग को भी स्टार्ट कर देती हूँ। और चलिए आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बना रही हूँ, और जिन लोगों को रेसिपी नहीं होगी पता तो आप लोगों को रेसिपी भी मिल जाएगी और दिखा दूंगी बहुत ही सिंपल शॉर्टकट तरीके से, बहुत तामझाम वाला नहीं बताऊंगी मैं, एकदम आराम से सब्जियों को चॉप करके और कुकर में बॉईल करके फिर जैसे तड़का लगाते हैं बस उसी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए, एंजॉय करिए। तो
तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे बैठ के सब्जियाँ चॉप कर रही थी पाव भाजी के लिए सारी, तो अभी मेरी आंखों में आंसू आ गए प्याज काट के। तो चलिए आपको क्या क्या सब्जियाँ चाहिए और कैसे बनाना है वो सारी रेसिपी आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि मुझे अपलोड करने में दिक्कत आती है, नेटवर्क इशू है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरी फुल रेसिपी और सब कुछ देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, और लाइक सपोर्ट करते रहिए।